हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ एक्सपर्ट में कॉपी इफेक्ट सीखेंगे। कॉपी इफेक्ट के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। जैसे हम आज टेक्स्ट लिख रहे हैं, ए टू लेके हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखी कोरल। उसको बड़ा करना है तो हम पिक टू लेके उसकी साइज चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अभी हम इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और एड परक्विजिट्स पे क्लिक करेंगे और आपको जिस तरह की इफेक्ट उसको देनी है आप दे सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ परक्विजिट्स सेट किए, इस तरह से मैंने उसको इफेक्ट दे दी परक्विजिट्स की। अभी हम एरो लेंगे, एरो पे क्लिक कीजिए और सेम टू सेम इसी परक्विजिट्स की डुप्लीकेट कॉपी के लिए हम ए टू लेंगे और अगेन नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखी ड्रो। अभी जो मेन परक्विजिट्स की है इफेक्ट, हमें इसी के ऊपर अप्लाई करनी है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और इफेक्ट मेन्यू में जाके कॉपी इफेक्ट परक्विजिट्स फ्रॉम पे जो ओरिजिनल कॉपी है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी की कॉपी अप्लाई कर देगा। उसके बाद है कॉपी इफेक्ट्स में और भी इफेक्ट्स आपको दिए हैं, एनवेलॉप है, ब्लैंड है। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉप द शेडो इफेक्ट ले रहे हैं तो मेन ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ से ड्रॉप द शेडो सिलेक्ट किया। जैसे ही हमने यहाँ पर ड्रॉप द शेडो दिया, अगर हमें इसका शेडो सेटिंग करना है तो हम यहाँ से ड्रैग करके शेडो सेटिंग कर सकते हैं। कलर देने हैं तो हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हैं, हम यहाँ से कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसी की कॉपी, यानी ये ड्रॉपले शेडो हमने दिया है उसी की सेम टू सेम कॉपी अप्लाई करनी है ड्रॉप के ऊपर। तो उसके लिए हम अगेन मेन ऑब्जेक्ट यानी ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक कीजिए, ड्रॉ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम इफेक्ट्स मेन्यू में जाएंगे। ड्रॉ पे क्लिक किया, अभी हम इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और कॉपी इफेक्ट, उसमें ड्रॉप द शेडो इफेक्ट पे हमने क्लिक किया और अभी हम जो ओरिजिनल शेडो था उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो उसकी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हो गई है। थैंक यू।